नमस्कार, मैं हूं मयंक सक्सेना। स्वागत है आपका इंडियन न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। सहारनपुर जमीनी विवाद के चलते झगड़े के दौरान प्रधान के बेटे की हत्या, सात के खिलाफ मामला दर्ज। सहारनपुर थाना नागल के ग्राम कपासा में दो पक्षों में मारपीट के बाद खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें कई लोग घायल हुए। ग्राम कपासा के मौजूदा प्रधान के पुत्र सुमित कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद उन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल भर्ती कराया गया। वहीं उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। परिजनों का आरोप है कि काफी समय से इन लोगों से विवाद चल रहा था, जिस कारण कल रात इन लोगों ने अचानक भीड़ के साथ प्रधान के बेटे पर हमला कर दिया, जिसमें वे गंभीर रूप से घायल हो गए और अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। वहीं SP देहात सागर जैन ने बताया कि मृतक के परिजनों के तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। वहीं सभी आरोपी अभी फरार हैं, जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आइए जानते हैं सागर जैन SP देहात ने क्या कहा। सहारनपुर से संवाददाता दीपक राणा की रिपोर्ट। अनुभव है जी, अनुभव क्या मामला है, क्या हुआ? जी कल मैं सुबह का टाइम, कल 7 बजे जी मैं पूछ के आ रही थी, कल सुबह का टाइम उन्होंने पीछे से हमला किया, जिसपे दो जनों ने पकड़ा जी, एक जने ने पलकटी मारी, एक का नाम सूरज है जी, एक का नाम विकास है, और जी एक वो है जी रफल अमित है जी, कपासा मामला है। विवाद क्या था, क्यों मारी, क्या क्या वजह है? जमीन का था, जमीन के ऊपर जी, गांव का प्रधान था जी मौजूदा, वाला गांव का प्रधान जी। हां जी, क्या नाम है? सुमित है जी, 24 साल है जी, और मैं उसका भाई हूँ जी छोटा। आप लोग पुलिस से गए थे, पुलिस ने क्या कार्रवाई की? पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, कुछ कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस ने कल भी 4 घंटे बैठा रखा जी कस्टडी में, वहाँ पे कुछ नहीं हुआ वहाँ से। हमले से पहले? हाँ जी, हमले के बाद, जब हमले के बाद जब वहाँ से रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए गए ना वहाँ पे, तो वहाँ पे कुछ नहीं हुआ जी, उन्होंने बैठा लिया वहाँ पकड़ के, और खून चलता रहा जी, घायल अवस्था वही जी। हाँ, पुलिस की लापरवाही है जी, बहुत ज्यादा जी। उन्होंने उसके पुरानी रंजन क्या हुआ, क्या हुआ था, कैसे हुआ था बताइए जी। उन्होंने उसने वहाँ पे उसमें थाने में उसकी रिपोर्ट लिखाने के लिए गए थे, तो उन्होंने जी वहाँ पे मतलब कि उसे यहीं पर बैठा लिया, और वो जो दूसरे थे ना उन्हें छोड़ दिया जी, उन्हें छोड़ दिया जी। उनकी मौत कैसे हुई थी? उनकी मौत पलकटी मारी उसके सिर में, खून भागा जी उसका बहुत ज्यादा। हमें इंसाफ चाहिए जी, बिल्कुल। मौत सहारनपुर में हुई जी, खून सारा बह चुका था जी, बिल्कुल। कल हुई, आज हुई जी सुबह 3-4 बजे। जमीन का मामला जी, प्रधान को लेकर जी, हम तो यहाँ से आए सहारनपुर, सहारनपुर में क्या घटना हुई, आप लोग यहाँ पर आए, क्या हुआ मामला? अजी हमारा बच्चा मारा, कब? कल जी 9 बजे, पलकटी मारी 9 बजे, पलकटी मारी, पलकटी मार रखी जी। मेरा भाई है जी, छोटा भाई, ये लड़का जी, लड़का वहाँ से अजी पुलिस ने कार्रवाई क्यों करी नहीं ना जी, ना कल 4 घंटे बैठा, खून निकल गया सारा बच्चे का, कोई कार्रवाई नहीं करी बच्चे की, और कोई मेडिकल थाना नागल के ग्राम कपासा में कल दो पक्षों को आपस में जो है झगड़ा हो गया था दो पक्षों के बीच, और ये जो उनका पूर्व से भी झगड़ा चला आ रहा था, जिस कारण से दोनों पक्ष जो है पाबंद किए गए थे पुलिस द्वारा, एक जमीन के घेर को लेके दोनों का झगड़ा था। कल एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष से गाली गलौज की गई, उसके बाद दोनों पक्षों में मारपीट हो गई, जिसमें कि एक पक्ष का एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। जो मजरूह पक्ष की तरफ से पुलिस द्वारा कल तहरीर हत्या के प्रयास में दर्ज की गई थी 7 लोगों के विरुद्ध, जो गंभीर रूप से घायल व्यक्ति है उसकी दौराने उपचार आज सुबह मृत्यु हो गई है, और जो इसमें समुचित धारा है उसकी बढ़ोतरी की जाएगी। पुलिस द्वारा जो मृतक है उसको कब्जे में लेकर उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, और इसमें जो सभी अपराधी जो घटना में शामिल थे, जो 7 नामजद हैं, वो सभी मौके से अभी फरार हैं, गांव से फरार हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए 3 टीम्स का गठन किया गया है, और शीघ्र ही इसमें जो भी घटना में शामिल थे उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की।
मौजूदा प्रधान जी जो वादी है इस वादिया है जो इस केस की वो अभी मौजूदा प्रधान है और जो मृतक है वो उन्हीं के बेटे। सर पुलिस वाले ज्यादा पुलिस वालों भी आरोप लगाया जा रहा है लापरवाही का, क्या जी इसमें जो भी घटना कल हुई थी तो दोनों पक्ष के व्यक्ति इसमें इंजर्ड थे जिसमें से कि चार व्यक्तियों का कल पुलिस द्वारा 151 किया गया था और जो गंभीर रूप से घायल था उसे तत्काल CSC भिजवाया गया जहां से वो जिला अस्पताल में रेफर हो गया। इसमें कोई भी लापरवाही अभी सामने नहीं आई है।